नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। आज की सबसे पहली खबर, दीपावली के शुभ अवसर पर फिर से सीएम की पद लेंगे नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी बना सकते हैं रिकॉर्ड। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीपावली के तुरंत बाद मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। 16 से 18 नवंबर के बीच संभावना है कि वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पिछली बार उन्होंने 20 नवंबर को शपथ लिया था, तय माना जा रहा है कि इस बार भी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह सार्वजनिक रूप से गांधी मैदान में होगा। वहीं आपको बता दें कि सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि इस बार भी सुशील मोदी ही उप मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा हुआ तो सबसे अधिक समय तक उप मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी सुशील मोदी के नाम दर्ज हो जाएगा। वह नीतीश कुमार की सरकार में वित्त मंत्री का कामकाज भी देखते हैं। साथ ही ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कई पुराने मंत्री रिपीट होंगे। मिथिलांचल ने एनडीए की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसी संभावना है कि भाजपा के विनोद नारायण झा और संजय झा पुनः राज्य मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। बीजेपी के साइलेंट वोटर ने एनडीए को बिहार में जीत दिलाई। पीएम मोदी बोले, नीतीश जी के नेतृत्व में विकास का संकल्प पूरा करेंगे। बिहार चुनाव में एनडीए के बीजेपी मुख्यालय में जश्न का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। बीजेपी के संगीत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए के जीत के लिए साइलेंट वोटर को क्रेडिट दिया है। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के पास साइलेंट वोटर का ऐसा वर्ग है जो चुपचाप अपना काम करता है, और इसी के बदौलत बिहार में एनडीए को जीत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार की जनता ने जिस जागरूकता के साथ एनडीए की सरकार को चुना है, उसे देखते हुए बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास के संकल्प को पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में एनडीए को मिली जीत दरअसल बिहार की जीत है। पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ बीजेपी आगे बढ़ी थी, और इसीलिए बिहार में एनडीए को जीत मिली है। जीत का उन्माद नहीं, हार का अवसाद नहीं। पीएम मोदी बोले, जो विकास नहीं करेगा जनता उसे बदल देगी। भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं में जीत का उन्माद नहीं, हार का अवसाद नहीं है, यही भारतीय जनता पार्टी की सफलता का कारण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनाव आते और जाते रहेंगे, जीत और हार होती रहेगी, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में अगर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है तो यह बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने को लेकर यह टिप्पणी की। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की व्यवस्था में जो लोग हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं वह हत्यारों का सिलसिला चला रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि देश के अंदर अब विकास यही सबसे बड़ा मुद्दा है। देश में आधारभूत संरचना, एयरपोर्ट, रेलवे, पानी, सड़क, बिजली जैसे मुद्दों पर अब चुनाव लड़ा जा रहा है। जो लोग यह मानते हैं कि यह चुनावी मुद्दे नहीं है, वह अब भी भ्रम में दुनिया में ही जी रहे हैं। चुनाव में एनडीए की जीत पर बोले जेपी नड्डा, बिहार में विकास को वोट बा, लूट को चोट बा। बिहार विधानसभा चुनाव में राजग की जीत पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में विकास को वोट बा, लूट को चोट बा। उन्होंने मंगलवार को विभिन्न राज्यों में संपन्न हुए उपचुनाव में भाजपा की जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि जहां जहां भी चुनाव थे वहां की जनता ने एक स्वर से कमल के निशान पर मोहर लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर मोहर लगाई है। बीजेपी नहीं भूली 19 लाख रोजगार की बात, संजय जायसवाल बोले, जनता को सभी वादों का हिसाब देंगे। बिहार चुनाव में रोजगार का मुद्दा छाया रहा। आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा कर तो बड़ा चुनावी कार्ड खेला, लेकिन उसके जवाब में उत्तरी भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख रोजगार देने का चुनावी वादा किया था। अब बिहार में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का कहना है कि
उनकी पार्टी इस चुनावी मुद्दे को नहीं भूली है, हम जनता से किया अपना वादा पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में सड़क से लेकर बिजली तक और आधारभूत संरचना का विस्तार बताता है कि यहां रोजगार सृजन के अवसर ज्यादा है। हम जनता को हिसाब देंगे कि हमने बिहार के 19 लाख लोगों को कैसे रोजगार दिया है। हालांकि यह काम हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन जनता से किया हर वादा हम पूरा करेंगे। आज आएगा MLC चुनाव का रिजल्ट, शिक्षक और स्नातक निर्वाचन के लिए 8 सीटों पर फैसला। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाने के बाद अब हर किसी की निगाहें MLC चुनाव के परिणाम पर टिकी है। गुरुवार को बिहार के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 8 सीटों का रिजल्ट आने वाला है। आज राज्य के 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों और 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सीटों के चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से मीठापुर स्थित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय मतगणना केंद्र पर मतों की गिनती होगी। मतगणना को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार चुनाव 2020 में शहर में BJP तो ग्रामीण इलाकों में RJD का दबदबा, JDU का समान प्रदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से एक बार फिर साफ हो गया कि भाजपा की पकड़ अब भी शहर इलाकों में बनी हुई है। जीती हुई सीटों में पार्टी ने उन इलाकों पर अधिक जीत हासिल की है जो शहरी या अर्ध शहरी इलाकों की है। 6 दर्जन से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने वाली भाजपा ने शहरी क्षेत्र की अपनी परंपरागत सीटों पर कब्जा जमाने में सफलता हासिल की है। इसके उलट राजद ने उन सीटों पर जीत हासिल की है जो ग्रामीण इलाकों से जुड़ी हुई है। इस चुनाव में भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी। NDA में सीट बंटवारे में भाजपा ने उन सीटों को प्राथमिकता दी जो शहरी या अर्ध इलाकों की थी। साथ ही वैसी सीटों का भी चयन किया गया जिस पर परंपरागत रूप से भाजपा चुनाव लड़ती रही है। शहरी इलाकों में उम्मीदवार देने के पीछे पार्टी की सोच थी कि उसके कोर वोटर स्वर्ण व वैश्य समुदाय के आबादी इन इलाकों में अधिक रहती है। पार्टी को इस रणनीति का लाभ भी मिला। महागठबंधन को बहुमत नहीं मिलने पर क्या सोच रहे हैं लालू प्रसाद यादव, कैसी है तबीयत? बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में महागठबंधन जादुई आंकड़े से महज कुछ सीटें ही पीछे रह गया। महागठबंधन को 110 सीट मिली जबकि भाजपा को 125। उधर इस रिजल्ट को लेकर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव काफी चिंतित नजर आए। रिजल्ट के दौरान उन्होंने TV से दूरी बनाए रखी, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। रांची के रिम्स निदेशक के आवास में लालू प्रसाद दिखे। महागठबंधन की सरकार नहीं बनने का सीधा असर लालू प्रसाद पर दिख रहा है। लालू प्रसाद की तबीयत भी ठीक नहीं रही है, उनकी किडनी पहले से ही खराब है। एक उम्मीद जागी थी कि 9 नवंबर को वे जेल से बाहर आएंगे। चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में उनकी आधी सजा पूरी हो चुकी है और इसी आधार पर 9 नवंबर को उन्हें जमानत मिलने की संभावना थी, लेकिन जमानत की सुनवाई टल गई। अब उनके छठ से पहले बाहर आने की कोई संभावना नहीं है, यानी उनका इंतजार बढ़ गया है। संभव यह है कि इस दुख का भी असर लालू की सेहत पर पड़ा है। बिहार चुनाव में हार के बाद भी तेजस्वी बने हीरो, भाजपा नेता ने भी की तारीफ। जी हां, बिहार में NDA पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटने पर भाजपा नेता उमा भारती ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव की तारीफ की। भाजपा नेता उमा भारती ने बुधवार को कहा कि बिहार बाल बाल बच गया, तेजस्वी बहुत अच्छा लड़का है, परंतु तेजस्वी सरकार चला ही नहीं सकते थे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार चलाने का काम लालू को करना था। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ का मट्टा धार कर दिया, वैसे ही स्थिति बिहार में लालू के द्वारा होनी थी। बिहार चुनाव परिणाम, राजद ने मतगणना में लगाया धांधली का आरोप। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास से मंगलवार की देर शाम मुलाकात कर राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा आम चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप लगाया और शिकायत की। राजद के नेतृत्व में गए कांग्रेस व वाम दलों के नेताओं ने अपनी मांगों से जुड़े ज्ञापन बिहार के CEO को सौंपा। मंगलवार को मुलाकात के बाद CEO श्रीनिवास ने बताया कि राजद के नेतृत्व में मिलने आए महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव जीत चुके उनके उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने की शिकायत की। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि सभी जीत चुके उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। महागठबंधन के नेताओं ने चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की। महागठबंधन के नेताओं ने करीब 2 दर्जन सीटों की सूची आयोग को सौंपते हुए कहा कि हमारे जीतने की घोषणा कर दी गई, उसके बाद रिकाउंटिंग के नाम पर हमें हरा दिया गया। उन्होंने स्थानीय शासन द्वारा गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाया है।
चिराग का बड़ा बयान, मेरा लक्ष्य था भाजपा को फायदा पहुंच जाए, बोले मेरा रास्ता संघर्ष का, 2025 में अपनी कमी को पूरी करूंगा। जी हां, लोजपा प्रमुख चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है, हालांकि वे यह मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि बड़ा जनाधार लोजपा को मिला है, लोजपा जीत के करीब रही, 2025 में अपनी कमी को पूरी करेंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर उन्होंने कहा कि यह NDA तय करेगा। नीतीश कुमार के मामले में उन्होंने कहा कि नई सरकार भ्रष्टाचार की जांच कराए, मैं उस पोजीशन में होता तो जांच कराकर नीतीश को जेल भेजता। कहा व्यक्तिगत संबंध बना रहेगा लेकिन राजनीतिक विरोध बना रहेगा, धांधली या EVM से छेड़छाड़ की बात को गलत बताया। कहा अगर परिणाम उनके पक्ष में आता तो ऐसा नहीं कहते। उन्होंने NDA की बड़ी जीत पर कहा कि बधाई के हकदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री है, उनकी वजह से ही भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा, नहीं तो CM के खिलाफ कितना गुस्सा था ये सब जानते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष ने बड़ी टक्कर दी है, जनता बधाई का पात्र है, उन्होंने PM की बातों को सुना और माना। कहा हमने संघर्ष का रास्ता चुना है, सिर्फ बिहार पर राज करने की लड़ाई नहीं है, नीति और संघर्ष का रास्ता हमने चुना है। तो वहीं दूसरी ओर LJP के हार पर बोले जीतन राम मांझी, अपने चिराग से भस्म हो गए हैं वो। जी हां, ताजा बयान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी का आया है। उन्होंने LJP के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि चिराग जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग NDA से अलग होकर चुनाव लड़े थे, उन्होंने अपने अधिकतर प्रत्याशी JDU के खिलाफ उतारा, जिसके कारण JDU को काफी नुकसान उठाना पड़ा। परिणाम स्पष्ट होने के बाद हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक कहावत है, जिस साग पर बैठो उसको मत काटो, लेकिन चिराग ने NDA के हिस्से थे उसी को हराने का प्रयास कर रहे थे, जिससे नुकसान हुआ है, लेकिन अपने ही चिराग से भस्म हो गए हैं वो। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से महागठबंधन की लुटिया डूबी, सिर्फ 27% प्रत्याशी ही जीते। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस ने महागठबंधन की लुटिया डुबो दी, उम्मीदवारों के चयन में गड़बड़ी कहे या भीतरघात, लेकिन पार्टी मात्र 27% उम्मीदवारों को ही जीता पाई। महागठबंधन के दूसरे सभी घटक दलों ने आधे से अधिक सीट जीत ली है, अगर कांग्रेस अपनी पुरानी सीटें भी जीत लेती तो सीन कुछ अलग होता। वोट प्रतिशत भले ही पिछले के मुकाबले चुनाव से कुछ बढ़ गया, लेकिन पार्टी नहीं निकाल पाई, ले देकर टीम राहुल की भी पार्टी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अबुल कलाम आजाद को दी श्रद्धांजलि। मंगलवार को बिहार चुनाव के परिणाम जारी होने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर नहीं आए। लोगों को उम्मीद थी कि चुनाव परिणाम जारी होने के दौरान वह बाहर निकलेंगे और बयान देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीडिया वाले उनका बयान लेने को आतुर दिखे, लेकिन नीतीश कुमार CM आवास के अंदर ही बैठे रहे। बुधवार को वे नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते दिखे। सचिवालय स्थित लोक संवाद में उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने देश के पहले शिक्षा मंत्री को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और अंत की खबर गया से है। लगातार 8वीं बार विधायक बनने वाले डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि शहर को जाम से मिलेगी निजात, हर घर पहुंचेगा पानी। गया शहर से लगातार 8वीं बार विधायक बनने के बाद डॉक्टर प्रेम कुमार मीडिया के सामने आए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अगले 5 साल की रणनीति के बारे में बताया। गया शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाना, हर घर जल और गैस पाइपलाइन पहुंचाना इनकी प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की समस्या से जल्द ही निजात मिलेगी। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या के लिए शहर के कई इलाकों में काम चल रहा है, जो अगले साल पूरा हो जाएगा। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।